गुड मॉर्निंग, एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ आप सबसे मिल रही हूँ। शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग। बाहर गाड़ी का आवाज़ है, बहुत सुनाई दे रहा है आपको। अभी स्कूल जाने का टाइम है ना बच्चों का, इधर उधर बस भागा दौड़ी चल रहा है। आनु को बस अभी अभी छोड़ा है, अभी हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, वो बस रेडी हो रहे हैं, दोनों एक साथ निकलेंगे। सो चलो, वो भी मॉर्निंग वॉक कर रहा है। देखो हो गया लास्ट राउंड कंप्लीट, अभी जाएंगे घर। नहीं, घर जाने से पहले आलू खरीदना है मुझे, आलू और फूल। ओके, अभी अभी आया है टमाटर, ये है पपाया, ये देखो लौकी, अच्छे खासे ये सब अभी अभी आया है। लेने के लिए आई थी बस आलू, ओनली आलू, लेकिन इतना सुंदर सुंदर सब्जी देख के विंटर का अपने आप को रोक नहीं पाई। वो ग्रीन कलर का स्किन वाला जो पम्पकिन आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, ले लिया। अरे देखो फूलों वाली आंटी, इनके पास से हमेशा फूल लेती हूँ ना, आज हंस रही है मुझे देख के। चलो घर चलते हैं, ताला वाला खोल के अंदर चलो, आ जाओ। ढेर सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ। वैसे आपको तो पता है सब्जियाँ देख के मुझे एक प्यार सा हो जाता है, और अभी अभी उतरा था फ्रेश वेजिटेबल सुबह सुबह, तो मैंने बहुत कुछ ले लिया। इधर मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि वो ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे, आज बोला है जल्दी जल्दी ऑफिस जाऊँगा, तो इसलिए मैं इधर आलू परवल के साथ एक सिंपल सा फिश करी बनाऊँगी। ये देखो, ये है कतला फिश, एकदम फ्रेश फिश मिला था कल, तो उसी का एक झोल बनेगा। और कुछ देखती हूँ आगे, कुछ सब्जी बना लूंगी। इधर राइस चला गया है, यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए दिया है, तो फटाफट कुकिंग कर लेती हूँ। ठीक है, आज है हैप्पी चिल्ड्रंस डे, तो मेरे सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, जो मेरे दोस्तों के घर में हो छोटे छोटे, तो उन सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आना पूछ के गए, कल रात को पूछ रही थी मम्मी कल क्या है, तो मैंने बोला कल क्या है, बार बार पूछना चाहती थी मम्मी क्या है मम्मी क्या है, मैंने बोला आज तो मंडे है, ये है, फिर बाद में बोला आज चिल्ड्रंस डे है आनू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, वो सुनना चाहती थी। उसके स्कूल में प्रोग्राम है, मैम लोग सारे परफॉर्म करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है, ये भी एक एंजॉयमेंट है, उन लोगों का भी दिन होना चाहिए ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है। चलो ठीक है, देखती हूँ कैसे बिताती हूँ, कैसे स्पेशल बनाती हूँ आज का दिन, चलो देखते हैं। आज रोटी के साथ ये वाला सब्जी बना रही हूँ, ऑनियन और भिंडी का फ्राई, साथ में चॉप्ड ग्रीन चिली दिया है और कलौंजी का छौंक। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा ना ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है, कुकिंग कर लिया, वो भी जल्दी जल्दी ऑफिस चले गए थे, फिर उसके बाद डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर लिया, रत्ना भी काम करके जस्ट अभी अभी निकली है, तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँगी बाहर। एक्चुअली आना आने में अभी तो काफ़ी लेट है, वो 4 o'clock आएगी, तो मैं सोच रही हूँ आज चिल्ड्रंस डे है तो उसके लिए कुछ लेके आती हूँ। वैसे वो गए थे तब दुकान नहीं खुला था, अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है, स्कूटर लेके जाऊँगी, इसलिए शायद रास्ते में आपके साथ बात नहीं कर पाऊँगी, शॉप में जाके आपसे मिलती हूँ। उससे पहले आयरन भी लेके जाए, मेरे आयरन के सारे कपड़े तो ये सब दूंगी, चश्मा वश्मा पहन लिया है। वैसे ये वाला चश्मा ना एक्चुअली डे टाइम पे मैं ये पहन के स्कूटर चला सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा हल्का सा ही दिखता है, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम होती है। तो चलो बाद में आके लंच करूँगी और आपको दिखाऊंगी आज लंच में क्या बना है, क्या बनाया है आपने तो देखा है, तब लंच करूँगी। अभी बजा है 1 o'clock, तो 1 o'clock भी नहीं बजा है, 12:45, तो चलो जल्दी जल्दी होके आते हैं, ठीक है। वैसे इस टाइम पे काम निपटा के बाहर जाने में अच्छा भी लगता है, स्कूटर है साथ में तो टाइम नहीं लगेगी, चलो लेट्स गो। हैंड ऑफ। क्या मैं उसके लिए लूँ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस लड़की को वैसा कुछ पसंद ही नहीं है, तो सोच रही हूँ मैक्स जाऊँगी, उस दिन उसने जो पसंद किया था ना, अगर वो मिल जाए तो वही लूँगी। हाँ ये देखो, यही पूछा था उसने ना उस दिन। गिफ्ट चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अगर अच्छे से रैप करके प्रेजेंट किया जाए तो लेने वाले का मन और भी ज्यादा खुश हो जाता है।
गई घर। बाप रे, आज बाहर एकदम झुलसा देने वाली गर्मी है। ओ माय गॉड, दो दिन से इतना वेदर खराब, ठंडा ठंडा। लोग अपने अपने रजाया और मोटे मोटे पुलोवर्स निकाले हुए थे, और आज एकदम बाहर जो धूप है ना, मेरा स्कूटर जो है वो सीट एकदम इतना गर्म हो गया कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। सो चलो, हो गया, फाइनली सामान वामान लेके आ गई हूँ। अभी छुपा के रखूंगी, नाइट में जब वो आएंगे तभी एक साथ इकट्ठे देंगे, ठीक है। मैं वो एक ट्रे लेके आई हूँ, आज सोच रही हूँ कपकेक्स बनाऊंगी आनू के लिए। देखती हूँ, अभी भूख लगी, थोड़ी देर बैठती हूँ फैन के नीचे, फिर जाके लंच करूंगी, तब सोचती हूँ आज मैं क्या बनाऊंगी, कौन सा फ्लेवर है। वो दो चीज, और ये मैंने ऐसा ना कॉफी कलर का ही लिया है, ठीक है। फायदा हुए, मुझे लगा है बहुत जोरों की भूख, अभी मैं खाना खा लूंगी, इधर राइस और ये फिश करी, ठीक है, खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके आ जाऊंगी, काम पे लग जाऊंगी। ओके, आनू के आने से पहले ये मैंने लिया है कॉफी पाउडर, ये एक टीस्पून कॉफी पाउडर लिया था, तो इसको मिला लिया है पानी के साथ। ये थोड़ा सा पाउडर शुगर, ये भी ले लूंगी, एक कप पाउडर शुगर है। उधर मिल्क भी मैंने एक कप लिया था, और मैंने लिया था एक कप से थोड़ा सा कम ऑयल, आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी वैनिला एसेंस, और मैंने यहाँ पे मिलाया था एक टीस्पून वैनिला। अब मिक्स करके रख देना है साइड में। यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा, और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लेंगे थोड़ा सा, मतलब एक कप में 4 अगर भाग करोगे आप तो 1 भाग कोको पाउडर लिया है मैंने, ठीक है। अब इन सारे चीज़ों को छान लेंगे अच्छे से। मैं भूल गई, वो है थोड़ा सा सॉल्ट। अब जो है धीरे धीरे ये जो ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैं ऐड करती जाऊंगी। और ये देखो, मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और ये देखो, ये है इसका कंसिस्टेंसी, बिल्कुल वैसे जैसे कि हनी गिरता है ना, लाइक दिस, ऐसा बैटर चाहिए हमें। अभी जो है इसको रखते हैं, और ये ओवन को जो है 180 डिग्री में इसको 25-30 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ये नॉन छोटा चाइल्ड। यूनिफॉर्म आधा क्यों है, बेल्ट कहाँ है? इधर। कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा, चलो मुँह हाथ धो ले, मैं शरबत बना के देती हूँ। ओके, आइस ऐसे, आज ज्यादा पढ़ाई करना है, चिल्ड्रंस डे में ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे। इधर ये मैंने तैयार कर लिया है, और भी मेरे पास बैटर बचे हुए हैं, तो मैं इसमें डालूंगी, डाल के ना हॉबी चढ़ा दूंगी। इस तरह के एल्यूमिनियम ऐसे कप है मेरे पास, इसमें मैंने लाइनर डाल दिया है, अभी ये भी मैं चढ़ा दूंगी सेम टाइम। इधर ये हो गया है स्टार्ट, ये देखो 24 मिनट्स के लिए मैंने दिया है, और इसको ना मैं इधर डालने जा रही हूँ इसके अंदर। तो मैम ने डांस किया, प्रिंसिपल मैम ने फैशन शो हाँ। और इधर देख, और क्या हुआ, वाइस प्रिंसिपल ने फैशन शो किया। मैम को हमने जब पूछा पहले ब्रेक में, मैम बोल रही थी कि कोई प्रोग्राम नहीं है तुम लोगों के लिए, तुम लोग तो बड़े हो गए हो, मैं नाचने नहीं वाली। फिर लंच के बाद सब उन्होंने बोला कि ऑडिटोरियम में मीट करो सब, फिर हम बैठे ऑडिटोरियम में और सारे टीचर्स नाच रहे थे, मतलब कुछ तो कर रहे थे, फैशन शो वगैरह वगैरह, बहुत मजा हुआ। और आज लॉटी चौको बन रहा, तूने खा भी लिया लॉटी चौको पर ब्रेक में मिला। और ये आनू क्या मिक्स कर रही है पता है, वो पोस्तो वाटा, मतलब खसखस का पेस्ट बनाया था, उसके अंदर उसने नमक और मस्टर्ड ऑयल मिला दिया। वो खा रही है, इसको बहुत पसंद है ये। और इसका अपडेट देख लो, ये ऑलमोस्ट फूल चुका है, ये देखो ये, इसमें मैंने चॉको चिप्स डाला है, ठीक है, वो दिखाना भूल गई। इसे बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है, ये देखो कपकेक ऑलमोस्ट रेडी है इधर का,
मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छा बना है, ये देखो। और इधर ये है, ये ज्यादा फूला नहीं है बट बन चुका है। ये ठीक है बिल्कुल। वाओ ऑसम, एकदम परफेक्ट बन चुका है कपकेक रेडी। ये चॉको चिप्स वाला, ये खा के बता दो कैसा है। सुपर टेस्टी, जस्ट मेल्टेड। ए ए दिखा दे मुझे कैसा है ये। जस्ट मेल्टेड इन माय माउथ, ओह माय गॉड, सो सॉफ्ट। अपना तीन नंबर केक एंजॉय कर रही है। तीसरा तीसरा चॉको चिप्स वाला ज्यादा पसंद आया आपको। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका दोनों को लेके क्यों बैठी है, देख रही है इसलिए। देखो तो कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल कपकेक्स बने हैं। हाँ, देख के मुझे अपने आप पे नाज आ रहा है, नाज हो रहा है, क्या बोलते हो। ये ऊपर से चॉको चिप्स दिया है ना, इसलिए ऊपर से थोड़ा सा क्रैक क्रैक हो गया है, तो कुछ इस तरह से बना है मेरा कपकेक्स। खाने में भी बहुत टेस्टी है। आनू ने ऑलरेडी तीन खा लिया है, मैंने एक खा लिया। आज आनू ना इधर बैठ के पढ़ाई कर रही थी, ये देखो इधर चोला किंगडम मुझे सुना रही है पढ़ पढ़ के, और इधर केक लेके आई है ब्रेक में। मुझे नींद आ रही है, ये फैन ऑन करके आनू पढ़ाई कर रही है और मुझे इतना ठंड सा लग रहा है ना। इधर ये दोनों माँ बेटी अभी चोला किंगडम पढ़ रहे हैं। द चोला रूलर Vijayalaya established the Chola rule in Tamil Nadu. This guy was the founder of the Chola Empire. Okay. With Tanjavur as the capital. During the middle of the 9th century, stones to the West Asian countries. मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, बनाऊंगी डिनर। आज डिनर में बनेगा रोटी और एक भुर्जी। तो यहाँ पे मैंने सब कटिंग चॉपिंग कर लिया है। एक्चुअली मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, पहले ही ऑनियन और ये टमाटर वगैरह नहीं फ्राई करूंगी, एक ही साथ में फ्राई करके बस एक सिंपल सा एक भुर्जी बनाऊंगी और रोटी है उसके साथ, ठीक है। वैसे कपकेक्स बहुत ही यम्मी बना था, आप ट्राई कर सकते हो घर पे अपने बच्चों के लिए। एक भी नहीं है उसमें, बटर भी नहीं है, हेल्दी भी है, शुगर भी मैंने लेस डाला है, तो बहुत ही अच्छा बना है। ओके, ये रहा अपडेट। आना पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ पे ये डिनर विनर बना के फिर जाती हूँ। তোমার জিরা সেই জন্য আমি পড়ে গেছিলাম আফটার। क्या सोच के हम सुबह से प्लान कर रहे थे इसको चमका देंगे, लेकिन ये लड़की देखो, रिएक्शन देखो इसका। জিরাফ ইজ সো স্যাড, নো মানুর কোনো রিয়াকশন নেই সেই জন্য। মানে জিরাফটা দিয়ে ফেরত দিয়ে দেবো, ট্যাগ লাগানোই আছে। এই ট্যাগ লাগানো আছে, ফেরত দিয়ে দেবো আমি। আনুকার রিয়াকশন দেখে মুঝে লাগা কি মে ইয়ে জিরাফ চেঞ্জ করকে কুছ অর লেকে আউঙ্গি। আনু নে ট্যাগ কাট কর দিয়া, ওই तो स्कूल जाएगी ना, चेंज करके लाऊंगी। जिराफ जिराफ करके पागल हो रही थी। ओ हाँ, एक चीज बता देती हूँ, एक भुर्जी, पनीर भुर्जी, कुछ भी आप बना रहे हो ना, तो एंड में ना पाव भाजी मसाला थोड़ा सा डाल देना ऊपर से, अच्छा लगेगा। ये देख लो आज का हमारा डिनर, रोटी, आलू फ्राई, बहुत ही गर्म है अभी अभी जो बनाया है, और ये है एक भुर्जी। ओके, चलो फटाफट कर लेते हैं डिनर। आज का लास्ट कपकेक ये हम और वो आधा आधा खाएंगे, लॉट्स ऑफ चॉको चिप्स, एकदम आधा आधा। जी जी, आ गए आ गए। सॉफ्ट है। गुड नाइट बोले दो सबके, गुड नाइट, सबको गुड नाइट बोल दो। आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी आपसे, ऐसा बोल दो। नाम क्या बताया? मैं
नहीं बताया।